हेलो एवरीवन वेरी गुड मॉर्निंग आप सभी का स्वागत है करंट अफेयर्स शो में सुबह के आठ बज चुके हैं आई एम है कीर्ति पांडे और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं बहुत सारे करंट अफेयर्स सो आप सभी लोग सेशन को लाइक कर देंगे और शेयर कर देंगे वी आर गोइंग टू स्टार्ट द सेशन एज ऑफ नाउ तो पहले आप लोग सुन लेंगे ध्यान से कि क्या इंपॉर्टेंट न्यूज़ है और फिर बहुत सारे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे द फर्स्ट थिंग इज ये देखिए स्क्रीन हैं है ना तो इंडिया वन गोल्ड मेडल इन कॉमनवेल्थ 2018 और अब 2022 इन टेबल टेनिस इंडिया ने गोल्ड मेडल जीत लिया है टेबल टेनिस में और एक हिस्टोरिक गोल्ड मेडल इन लॉन बॉल्स राइट तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये दो बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज है जो कल आई शाम में आप लोगों ने सुना होगा तो भारत कॉमनवेल्थ गेम्स बर्मिंगम में कमाल का प्रदर्शन कर रहा है आप लोग भी एग्जाम में कमाल का प्रदर्शन कीजिएगा ठीक है तो संजुक्ता दास संजुक्ता दास जी ने एक किताब लिखा है जिसका नाम है लॉकडाउन लिरिक्स तो लॉकडाउन लिरिक्स को किसने इनोग्रेट किया या किसने रिलीज किया है तो ये उड़ीसा के सीएम है और इनका नाम है नवीन पटनायक जी ओड़ीसा के सीएम नवीन पटनायक जी ने संजुक्ता दास के बुक को अभी अभी रिलीज किया है ठीक है वर्ल्ड बैंक के नए कंट्री डायरेक्टर फॉर इंडिया तो हर कंट्री के अपने अपने एक डायरेक्टर होते हैं इसमें कंट्री डायरेक्टर फॉर इंडिया बने हैं ऑगस्टर टूनो कुआमे ठीक है कुआमे जी जो हैं, वो कंट्री डायरेक्टर बन गए हैं भारत के लिए नेक्स्ट निलकानी सेंटर ने स्टैब्लिश किया है आई आई टी एम का मतलब क्या हो गया यहाँ पे आप देख सकते हैं आई यानी मद्रास टू प्रमोट इंडियन लैंग्वेज टेक्नोलॉजी तो भारतीय भाषा को और ज्यादा प्रमोट करने के लिए आईआईटी मद्रास में क्या स्टैब्लिश हुआ है नीलकैनी सेंटर स्टैब्लिश बाय आईआईटी मद्रास ओके मद्रास okay. सत्येंद्र प्रसाद जी ने अज्यूम किया है चार्जेस चार्जेस यानी कि इन्होंने वो पद संभाला है प्रिंसिपल डीजी प्रिंसिपल डीजी ऑफ प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो मैं भी जब आपके लिए करंट अफेयर्स तैयार करती हूं तो मैं ध्यान रखती हूं कि ये जो प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो है इसका कोई न्यूज ना छूटे तो यही है प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो जो कि आप तक जितने भी न्यूज पहुंचते हैं उसको ध्यान देता है और ये सरकारी है तो इसीलिए गवर्नमेंट बार बार व्हाट आई से मैं आपको यही बोलती हूँ कि आप जब गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो गवर्नमेंट द्वारा रिलीज न्यूज और गवर्नमेंट द्वारा रिलीज मैगजीन से क्वेश्चन ज्यादा आते हैं आपको उतना ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है जैसे दो मैगजीन है एक योजना जिसमें उनके सारे स्कीम्स आते हैं एक क्षेत्र कड़ू क्षेत्र में बेसिकली एग्रीकल्चर से रिलेटेड चीजें आती हैं तो इन दोनों चीजों का कंपाइलेशन मैं आपको जनरली प्रोवाइड कर देती हूँ और इसीलिए आप लोग सेशन को लाइक कर सकते हैं ठीक तो ये तो एक न्यूज हो गया सत्येंद्र प्रसाद जी को अब आप याद रखेंगे एन यानी कि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और बी यानी कि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज तो ये दो स्टॉक एक्सचेंज है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज ज्यादा पुराना है तो ये दोनों स्टॉक एक्सचेंज ने बोल दिया है कि ठीक है Z का मर्ज हो जाएगा सोनी पिक्चर्स के साथ तो Z और सोनी पिक्चर्स दोनों बहुत बड़ा ब्रांड सोनी को देख के मेरे को सूर्यवंशम याद आता है आप लोगों को भी सेट मैक्स वगैरह कुछ देख के कुछ याद आता ही होगा है ना ठीक है तो अब ये दोनों जो है मर्ज हो गया है हाँ ओके जी टी वी पे वो देता होगा बार बार धड़कन, हाँ तो ठीक है औरंगाबाद ये महाराष्ट्र में है ये पहला स्मार्ट सिटी बन गया है भारत का जिसने रिसीव किया है डेटा फ्रॉम गूगल ई आई ई ठीक है तो ये गूगल ई आई ई क्या है अभी हम लोग धीरे धीरे समझेंगे पहले आप इसको देख लीजिए आजकल स्ट्रीट व्यू ये सब भी बहुत चल रहा है तो ये औरंगाबाद का कहानी है वेटरन बंगाली सिंगर हैं निर्मला मिश्रा जी और ये बंगाली सिंगर हैं इनका निधन हो गया है ओके कनाडा के जेफरी एमस्ट्रॉन्ग को मिला है डिस्टिंग्विश इंडियोलॉजिस्ट यानी कि भारत के बारे में इन्होंने काफी पढ़ाई कर ली तो इंडियोलॉजिस्ट फॉर 2021 अवार्ड इनको मिला है इनका नाम है जेफरी आर्मस्ट्रॉन्ग ओके प्राइम मिनिस्टर जी ने लॉन्च किया है आई ऑफ डूशे बैंक डू बैंक ठीक है एट गिफ्ट आई एफ एस सी अब आप लोगों को तो पता ही है कि गिफ्ट सिटी जो है वो गुजरात के गांधीनगर में तो गुजरात के इंटरनेशनल फिनास टेक्स सिटी जो कि क्या है गिफ्ट सिटी अब ये अहमदाबाद वाला गिफ्ट सिटी का बात हो रहा है ठीक है इज द होम टू अब डुशे बैंक का ये बैंकिंग यूनियन यहां पर लॉन्च हुआ है बैंकिंग यूनियन इसको किसने लॉन्च किया है मोदी जी ने लॉन्च किया है ठीक है लॉन्च करने का काम मोदी जी ही करते हैं तो बस इतना बात आप ध्यान रखेंगे कि किस बैंक के आई को अभी हम लोगों ने गिफ्ट सिटी में देखा है तो ये डुशे बैंक है ओके फॉर्मर फिलीपींस प्रेसिडेंट फिडर वाले रामोस एकदम सिगार लेके अच्छा मतलब अच्छा फोटो है ठीक है इनका निधन हो गया है ऑक्टूबर वन टू सेट एस कार्ड टोकनाइजेशन डेड लाइन फॉर आर बी आई अगर कल आप लोगों ने मेरा तीन बजे वाला सेशन देखा है तो वहां पर क्या मतलब होता है डेबिट कार्ड देखेगा तो उसमें कार्ड नंबर होगा उसके नीचे आपका नाम होगा और एक्सपायरी डेट होगा और पीछे आपको सीवीवी नंबर दिखेगा राइट तो ये चार डेटा से हर एक इंडिविजुअल का हम टोकन बनाएंगे टोकन ये चार नंबर से एक टोकन नंबर बनाया जाएगा जो रहेगा और हर एक इंडिविजुअल का अपना टोकनाइजेशन हो जाएगा तो ये जो है अक्टूबर से शुरू होगा द्वारा ठीक फिर है कि लंग्स कैंसर डे लंग कैंसर भी आजकल देखिए कैंसर को बोलते हैं ऑंकोलॉजी मतलब कैंसर की पढ़ाई को ऑंकोलॉजी बोलते हैं उनके डॉक्टर को ऑंकोलॉजिस्ट बोलते हैं तो वर्ल्ड कैंसर डे एक अगस्त को होगा ओके वेस्ट बंगाल में सात नए डिस्ट्रिक्ट्स बनेंगे अभी तक तेईस थे अब टोटल वेस्ट बंगाल में तीस डिस्ट्रिक्ट हो जाएंगे थर्टी डिस्ट्रिक्ट्स इन वेस्ट बंगाल ओके मुस्लिम विमेन राइट डे ये एक अगस्त को होता है आप जानते हैं कि 2019 में हम लोगों ने एक लैंडमार्क जजमेंट देखा जिसमें ट्रिपल तलाक को बैन किया गया भारत में ओके मंकी पॉक्स वायरस ये क्रिएट सेंटर क्रिएट्स स्पेशल टास्क फोर्स तो अब स्पेशल टास्क फोर्स है आप लोग थोड़ा बच के रहेगा आजकल ये सब बहुत हो रहा है है ना तो ये मंकी पॉक्स वायरस को चेक करने के लिए आर के वी के पॉल जो है उसको हेड करेंगे कॉमनवेल्थ में बहुत अच्छा प्रदर्शन चल रहा है जूडो में विजय कुमार जी को ब्रॉन्ज मेडल मिला है ठीक है उसके बाद जूडो में सुशीला देवी लिम लिकमा बम जी को सिल्वर मेडल मिला है वेट लिफ्टिंग में हरजिंदर कौर जी को ब्रॉन्ज मेडल मिला है अब आप लोग बताइए कि वर्ल्ड लंग कैंसर डे कब मनाया जाता है तीन बजे मेरा कौन सा क्लास होता है वो डिफेंस पे होता है जिसमें हम एफ कैट सी की तैयारी करते हैं कल था एक बार चेक कीजिएगा उसका एक सीरीज भी बना के रखें। आप लोग एक बार सेशन को लाइक और शेयर कर दीजिए ठीक है तो ये सबको पता है अब तो आप बता सकते हैं कि वर्ल्ड लंग कैंसर डे एक अगस्त को ये अवेयरनेस के लिए होता है ताकि लोगों में जागरूकता आए मुस्लिम विमेन डे ठीक है Day, तो मुस्लिम विमेन डे या राइट right डे भी बोल सकते हैं ये हर साल भारत में किस दिन मनाया जाता है तो ये भी आपको पता है कि ये एक अगस्त को मनाया जाता है ठीक है दो इंपॉर्टेंट चीज हो गया याद रखेंगे अब आप बताएंगे कि वर्ल्ड ब्रीस फ्रीडिंग डे तो माँ जब अपने बच्चे को दूध पिलाती है अब जानते हैं कि बहुत सारे न्यूज़ में भी आता है कि कुछ टाइम है छः महीने तक सिर्फ माँ का दूध होना चाहिए और तीन साल के एज तक मतलब मिलना चाहिए तो इसके लिए एक दिवस है ताकि मतलब वीक है एक से लेकर सात तारीख तक ये जो पूरा वीक है हम इसको ब्रीज फीडिंग डे बना रहे हैं ताकि सारे माँ और सारे बच्चों में तो नहीं होगा अभी तो उसको समझ नहीं है लेकिन सारे माँ में ये जागरूकता हो कि वो ब्रीज फीडिंग करे बच्चों का ठीक है भारत और वियतनाम में ये बहुत बार बताएं आपको आराम से बताइएगा आंसर भारत और वियतनाम में विन बैग्स नाम का एक एक्सरसाइज हो रहा है तो भारत और वियतनाम में जो विन बैग्स नाम का एक्सरसाइज हो रहा है 2022 का ये आपसे पूछा जा रहा है कि ये थर्ड एडिशन कहाँ पे हो रहा है तो वेरी गुड ये हरियाणा में हो रहा है ठीक है विन बैग्स जो है ये हरियाणा में हो रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फोर्थ एडिशन भारत और ओमान के बीच में अल नाजा अल नाजा फोर का एडिशन शुरू हो चुका है यह एक्सरसाइज क्या ये गुजरात में हो रहा है पंजाब में हो रहा है राजस्थान में या उत्तर प्रदेश में तो आप सभी को याद होगा कि यह एक्सरसाइज जो है हम लोग कर रहे हैं राजस्थान में ठीक है राज आप को आंसर देने का पूरा टाइम मिल रहा है ये मत बोलेगा कि स्पीड है ठीक नेक्स्ट यंगेस्ट एथलीट कल मैंने इनका गेम देखा स्क्वैश खेलती हैं तो यंगेस्ट एथलीट कॉमनवेल्थ गेम्स में और बहुत बढ़िया स्क्वाश खेलती हैं ठीक है तो चौदह साल की हैं बस फोर्टीन ईयर्स और शायद एक जगह देखिए पेरेंट्स का भी बहुत बड़ा रोल होता है अगर इतने कम एज में कोई बच्चा या कोई बच्ची चौदह साल तेरह साल में ये लोग जाके वहाँ पे प्रदर्शन कर रहे हैं और वहाँ तक पहुँचे हैं है ना तो पेरेंट्स का एक बहुत बड़ा रोल है इसमें और इनका नाम है अनंत अनाथ अनाहत अनाहत, अनाहत सिंह ओके नाम भी प्यारा है है ना नेक्स्ट नेक्स्ट है कि इंडियाज फर्स्ट एथलीट टू विन अ मेडल एट वेट लिफ्टिंग इन कॉमनवेल्थ गेम्स तो आपको रोज हम आपको कॉमनवेल्थ गेम्स का अपडेट दे देते हैं अब आप बताइए कि भारत की भारत में से कौन से ऐसे एथलीट हैं जिन्होंने पहला मेडल इस साल जीता कॉमनवेल्थ गेम्स में तो इनका नाम क्या है संकेत साड़गर संकेत साड़गर जी ने कॉमनवेल्थ गेम में अपना पहला पदक जीता गाइज आप लोगों को आंसर कोशिश करें ना आंसर देने का कोशिश करें ठीक है भारत को पहला गोल्ड मेडल भारत को पहला गोल्ड मेडल कॉमनवेल्थ गेम्स में किसने दिलाया इस साल तो आप जानते हैं कि पहला गोल्ड मेडल जो है वो मीराबाई चानू बेहतरीन प्रदर्शन है ना ये स्मैक भी देखा मैंने इनका और क्लीन एंड जर्क भी देखा तो मीराबाई चानू भारत को पहला गोल्ड मेडल कॉमनवेल्थ गेम्स में इन्होंने दिलाया फिर है कि इंडियन वन गोल्ड बाय लिफ्टिंग 300 केजी इन मेन एंड 67 केजी कैटेगरी तो 67 केजी कैटेगरी में 300 केजी वेट उठाकर इन्होंने गोल्ड मेडल जीत लिया कॉमनवेल्थ गेम्स में तो ये कौन है बिल्कुल मैं क्वेश्चन देने के पहले आंसर आ रहा है एक्सेलेंट एक्सेलेंट तो ये जर्मी लाल री नुनगा ठीक है लाल री नुनगा इनका नाम है ओके नेक्स्ट कि कौन से ऐसे भारतीय हैं जिन्होंने गोल्ड मेडल जीता 313 सौ के जी वेट उठा के सेवेंटी थ्री के जी कैटेगरी में देखिए हो सकता है आपको नहीं पता हो कोई बात नहीं अभी हम लोग क्वेश्चन आंसर के फॉर्म में याद कर लेंगे उसके बाद आपने क्या करना है बस जब मैं आंसर बता रही हूँ आप कमेंट सेक्शन में वो आंसर लिख दीजिए ठीक है जैसे मान लीजिए आपको नहीं पता है ठीक है तो अंचिता शोली आपको नहीं पता है आप लिख दीजिए एक बार ताकि क्या फायदा होगा कि आपको याद हो जाएगा फाइन नेक्स्ट बिंदिया रानी बिंदिया रानी देवी जी इन्हों को मिल गया है कौन सा मेडल यह पूछा जा रहा है वुमेन पचपन के जी कैटेगरी में 2022 कॉमनवेल्थ गेम्स तो कॉमनवेल्थ गेम्स में इनको मिल गया कौन सा पदक सिल्वर पदक मिला इनको सिल्वर मेडल यस नहीं बिंदिया रानी जी को सिल्वर मेडल मिला है गोल्ड मेडल नहीं मिला है ठीक है नेक्स्ट नेक्स्ट है कि विथ स्टेट हेल्ड द मोस्ट नंबर ऑफ सिटिंग ऑफ स्टेट असेंबली इन दो तो ये न्यूज़ में आया देखिए हम आपको पॉलिटी पढ़ा चुके हैं मतलब पढ़ा रहे हैं अभी स्टेट एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेटिव हो गया है आज जुडिशरी है ठीक है तो यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि कौन सा सा स्टेट है जिसने स्टेट असेंबली यानी तो कि विधानसभा में सबसे ज़्यादा सिटिंग की तो ये केरला है दो में सबसे ज़्यादा सेशन्स जो है तीन सेशनस होते हैं मोस्टली बजट सेशन मानसून सेशन अभी चल रहा है और विंटर सेशन तो हर सेशन के बीच में मैक्सिमम छह महीने का गैप से ज़्यादा नहीं होना चाहिए ऐसे तो हमारे देश में दो से तीन महीने होता है तो ये केरला था ठीक है ब्रेकफास्ट स्कीम तो बच्चों को मिड डे मील कह के हम लोग स्कूल तक लेकर आए लेकिन हम लोगों मतलब ब्रेकफास्ट स्कीम भी शुरू करके आया गया है स्टेट द्वारा तो ये ब्रेकफास्ट स्कीम यानी कि बच्चे स्कूल आए ताकि उनको ब्रेकफास्ट मिले ये है तमिलनाडु तमिलनाडु ने ब्रेकफास्ट स्कीम को शुरू किया है ठीक फिर है कि स्टेट गवर्नमेंट हैज या बिकम फर्स्ट टू लॉन्च ऑनलाइन टैक्सी हायरिंग सर्विस तो ये स्टेट गवर्नमेंट में जो सरकारी टैक्सी चलता है तो ये कहा जा रहा है कि फर्स्ट ऑनलाइन टैक्सी हायरिंग सर्विस तो ये है आपका केरला केरला ही आप जानते हैं इनोवेशन का काम केरला द्वारा ही किया जाता है ज्यादा फिर कल हम लोगों ने ये भी पढ़ा था कि एक इंडियन वुमेन है जो कि सबसे अमीर यानी रिचेस्ट women बन चुकी हैं इसके पहले चाइना की यांग हुईयान थी और ये जो इंडियन विमेन है इनका नाम क्या है ये आपको कमेंट सेक्शन में जल्दी से बताना है बिल्कुल तो ओ पी जिंदल कंपनी चलाने वाली ये सावित्री जिंदल जी जो हैं, ये रिचेस्ट इंडियन वेमेन है फाइन पूरे एशिया में सबसे अमीर ओके एज पर कोटेक प्राइवेट बैंकिंग ह्य लिस्ट भारत की सबसे रिचेस्ट वुमेन कौन है तो वो तो हो गई ठीक है ये आपकी होगी एशिया की सबसे रिचेस्ट ये आपसे पूछा जा रहा है भारत की सबसे रिचेस्ट किसके अकॉर्डिंग कोटेक प्राइवेट बैंकिंग बैंकिंग लिस्ट के अकॉर्डिंग तो हां बिल्कुल रोशनी नादर जी जो है वो इसके अकॉर्डिंग सबसे अमीर हैं रिचेस्ट हैं ओके विच कंट्री हैज इमर्ज एज द टॉप कंट्री विथ हाईस्ट एफ डी आई इन इंडिया तो ये हम दो तीन दिन से आपको बता रहे हैं समझा रहे हैं एफ यानी कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इसके साथ आप एक और सुनेंगे कल भी हम आपको तीन बजे वाले शो में बताएं एफ फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट तो फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट में क्या होता है जैसे मान लीजिए मेरे को अपना मतलब कोई चीज़ चल रहा है प्रोजेक्ट और उसमें हम दस से कम अपना पैसा लगाना चाहते हैं तो हम एफ हो गए फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर जिसमें उसमें जो भी पैसा लगाया उसमें से 10% से कम मेरा शेयर है और हम कभी भी चाहें तो अगर मेरे को लग रहा है कि ये प्रोजेक्ट डूब रहा है या कुछ भी हो रहा है तुरंत से रैपअप करके अपना पैसा निकाल लेंगे ये है फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट लेकिन फॉरेन डायरेक्ट डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट में क्या है कि वहाँ पे सीधे डायरेक्ट मनी लगता है और यो हमेशा दस परसेंट से ज़्यादा लगता है ठीक है दस परसेंट से ज़्यादा उसका पैसा लगता है और उसमें ऐसा नहीं है कि वो कभी भी चाहे तो निकाल ले पैसा इसीलिए ये एक्चुअली ज़्यादा अच्छा है क्योंकि आप कम से कम आपको इतना भरोसा तो रहेगा कि इसने मेरे पे पैसा लगाया लेकिन ये तुरंत निकालेगा नहीं तो आप सबको पता है और सबको तो एक्सीलेंट आप लोग सीक्वेंस में बता रहे हैं कि पहले ये है फिर ये है फिर ये है हाँ बिल्कुल ये सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं तो ये है सिंगापुर सिंगापुर के बाद अमेरिका है ठीक है उसके बाद मॉरिशस है ओके okay. नेक्स्ट है कि भारत ने एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया है कि अब हम एक्चुअली क्या करना चाहते हैं कि तेल का इस्तेमाल कम करना चाहते हैं आपको पता है कि हम ज्यादा चीजें जब इम्पोर्ट करते हैं और कम चीज़ें एक्सपोर्ट करते हैं तो फिजकल डेफिसिट आ जाता है तो इसीलिए हम क्या चाहते हैं कि हम ज्यादा चीज़ें एक्सपोर्ट करें है ना तो हम क्या चाहते हैं हम फिजकल सरप्लस चाहते हैं तो हमने एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन कर लिया है पाम ऑयल को लेकर मलेशिया से कि हम पाम ऑयल के यूज को प्रमोट करेंगे एक ऐसा कंट्री है जिसमें क्रीपिंग नहीं गैलोपिंग नहीं एक होता है आपका क्रीपिंग uh, फिर वॉकिंग फिर गैलोपिंग तो तीन परसेंट से कम का इन्फ्लेशन क्रीपिंग इन्फ्लेशन होता है तीन से लेकर दस परसेंट का इन्फ्लेशन जो है वो आपका वॉकिंग इन्फ्लेशन होता है दस परसेंट से अधिक इन्फ्लेशन जो है वो गैलोपिंग घोड़ा जैसे कूदता है गैलोपिंग इन्फ्लेशन होता है और हाइपर इन्फ्लेशन होता है जब आपका पचास परसेंट तक का इन्फ्लेशन हो तो ये कंट्री ने इन्फ्लेशन को देखते हुए जिम्बाबे ने क्या किया है गोल्ड कॉइन इशू किया हम दो मिनट आपको बस बोलना चाहेंगे इन्फ्लेशन क्या होता है ये एक पेन है ठीक है मार्केट में ये पेन है सिर्फ मान लीजिए यही पेन है बस और हमको ये पेन चाहिए और हमसे भी एक और व्यक्ति उनको भी ये पेन चाहिए और भी बहुत सारे व्यक्ति जिनको ये पेन चाहिए ये पेन का दाम दस रुपये हम बोले कि चलो दुकानदार को कि बीस रुपये पेन ही गिर गया ठीक है तो बीस रुपये दो हम ये पेन ले रहे हैं सामने वाला बोला हम पचास रुपये में लेंगे फिर कोई बोला कि सौ रुपये मिलेंगे इस तरह से क्या होगा कि ये बीस रुपये के दस रुपये के पेन का दाम बढ़ते जाएगा तो इसी तरह से कमोडिटीज का दाम बढ़ते जाता है अगर सप्लाई कम हो इसको आप बोलते हैं कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन ठीक है सप्लाई कम है क्योंकि पेन कम है अब क्या है कि मान लीजिए कि पेन उतना ही है लेकिन मेरा अर्निंग बढ़ रहा है तो पॉपुलेशन के कारण या मेरा सैलरी बढ़ गया है उसके कारण किसी भी कारण से तो हम डिमांड बढ़ा रहे हैं है ना तो मेरा डिमांड बढ़ रहा है जबकि सप्लाई उतना ही है तो जब सप्लाई उतना ही है समझ रहे इस बात को सप्लाई उतना ही है लेकिन लोग जो हैं वो डिमांड ज्यादा बढ़ा रहे हैं तो इसको डिमांड पुल इन्फ्लेशन कहते हैं समझ में आया सप्लाई उतना ही है डिमांड बढ़ गया तो डिमांड पुल इन्फ्लेशन सप्लाई ही कम है और डिमांड उतना ही है तो कॉस्ट पुश कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन दोनों में क्या होगा महंगाई बढ़ेगी ठीक है और जब महंगाई बढ़ती है है ना और क्या होगा कि बेरोजगारी दर भी बढ़ रहा है समझ रहे हैं महंगाई भी बढ़ रही है और बेरोजगारी दर भी बढ़ रहा है तो इस इन्फ्लेशन को हम स्टैग कहते हैं क्योंकि जनरली क्या होता है कि एक नॉर्मल कहानी ये है सुन लीजिएगा थोड़ा कष्ट करके है ना तो नॉर्मल कहानी ये है कि जब हमारे अर्थव्यवस्था में जब हमारे देश में पैसा कम होता है तो सरकार पैसा डालती है कैसे पैसा डालेगी जैसे कोविड में हमने देखा कोविड में हमने देखा कि सरकार ने लोन को सस्ता कर दिया क्योंकि सरकार चाहती थी कि आप बैंकों से लोन लें और अपना घर बनाएं या जो भी काम करें मान लीजिए कि लोन सस्ता हो गया हम जो है वो बैंक से लोन ले लिए जब हम बैंक से लोन ले लिए तो वो पैसा हम लिए अपना घर बनाने के लिए हम किसी ठेकेदार को देंगे ठेकेदार लेबर को देंगे लेबर आएंगे उसके बाद और सप्लायर होंगे बहुत सारे लोग होंगे तो इससे क्या होगा कि सबको काम मिलेगा तो सरकार ने क्या किया सरकार चाहती है कि इकोनॉमी में पैसा आए सरकार चाहती है कि इकोनॉमी में पैसा आए इसलिए उन्होंने अपना जो मूल प्रोडक्ट है इंटरेस्ट उसको सस्ता कर दिया तो अब लोगों के पास नौकरी आने लगी ठीक है मल्टीप्लायर इफेक्ट नौकरी आने लगी तो ये अच्छा चीज है और जब सरकार को लगेगा कि नहीं हमको पैसा खींचना है तो सरकार अपना इंटरेस्ट जो है वो महंगा कर देगी ओके लेकिन एक ऐसा कहानी जिसमें क्या होगा कि पैसा तो मेरे पास बहुत सारा है सबके पास ज्यादा है लेकिन तो भी बेरोजगारी दर ज्यादा है यानी कि इन्फ्लेशन भी है सरकार ये नहीं कर सकती कि अपना लोन सस्ता कर दे और पैसा दे दे तब तो और महंगाई बढ़ जाएगा यानी तो फिलिप कर्व। फिलिप कर्व दो कर्व आपसे हमेशा पूछा जाता है इकोनॉमिक्स में सुनिएगा ध्यान से ऐसे तो हम आपको जीके सीरीज में बताते रहते हैं सब ठीक है तो फिलिप कर्व जो है वो कहता है कि जब रिलेशनशिप बेरोजगारी दर और इन्फ्लेशन के बीच में रहेगा इसको याद रखेंगे बहुत बार पूछा गया है फिलिप ठीक है फिलिप कर्व आपसे बस इतना पूछा जाएगा ये जो फिलिप कर्व है वो किस दो के बीच में रिलेशनशिप दिखाता है तो आप बोलिएगा अनएम्प्लॉयमेंट बेरोजगारी और साथ ही साथ इन्फ्लेशन इन्फ्लेशन ठीक है तो ये एक कर्व हो गया इसको ध्यान रखेंगे अब एक और कहानी सुन लीजिए छोटा सा छोटा सा एक और कहानी सुन लीजिए क्या होता है कि ये आपका पैसा है और डिस्ट्रीब्यूशन ठीक है तो ऐसा होना चाहिए कि जितना भी पैसा है वो देश भर में जितने भी लोग हैं उसमें बराबर बड़ बटे टैक्स क्या है आप लोग अमीर लोगों से टैक्स लिया जाता है सरकार लेती है और गरीब लोगों के लिए भी सब काम करती है तो डिस्ट्रीब्यूशन करती है लेकिन जब ऐसा होगा कि रिसोर्सेज का बराबर से डिस्ट्रीब्यूशन नहीं हो रहा है तो ये कर्व ऐसा बनेगा तो इसको हम लोग गिनी कोफिशेंट कहते हैं गिनी कोफिशेंट ये जीरो होना चाहिए जीरो का मतलब है कि इसमें सारे रिसोर्सेज बराबर से बट रहे और अगर गिनी कोफिशेंट वन हुआ इसका मतलब है कि जो भी पैसा है एक्यूमिलेशन या कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द वेल्थ इन फ्यू हैंड सिर्फ कुछ लोगों के पास देश में पैसा है बाकी लोग गरीब हैं तो ये गिनी कोफिशेंट वन नहीं होना चाहिए ये जितना जीरो के पास जाएगा उतना देश में रिसोर्सेस का साधन का बराबर से आवंटन हो रहा है या डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है इस कर्व को आप लॉरेंस कर्व कहते हैं तो दो कर्व है इसको ध्यान रखेंगे काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम में आता है एक बात मेरा हमेशा ध्यान से सुनिएगा कि परीक्षा में करंट अफेयर्स करंट अफेयर्स जैसा नहीं आता है परीक्षा में करंट अफेयर्स आता है करंट अफेयर्स में जो टॉपिक है उसके कंसेप्ट से क्वेश्चन आता है हमेशा चाहे वो आप कोई भी एग्जाम दे रहे हो तो ये बात हो गया यहाँ तक आपको होपफुली बातें समझ में आ गई होंगी बाकी तो हम लोग इकोनॉमिक्स के क्लास में इस पर बात करते रहेंगे uh, इंजीनियर्स पे वो जो जी के स्टार्टिक की क्लास होती है वो बारह बजे होती है और डिफेंस पे तीन बजे अभी क्लास चल रहा है आज शायद उसको नहीं हो पाएगा वो ठीक है तो ऐसे तो रोज़ चलता है आज नहीं हो पाएगा ठीक और नहीं जो भी एफ कैट सी डी एस सी ए पी एफ़ के बच्चे हैं वो एक जी सीरीज के सीरीज़ करके मैंने एक प्लेलिस्ट बनवाया है उसमें नौ दस वीडियो उसको प्लीज देख लीजिए बहुत इंपॉर्टेंट है ठीक है चले फिर है कि इंडिया के नेक्स्ट हाई कमांडर टू बांग्लादेश नहीं पता है कोई बात नहीं प्रणय कुमार वर्मा जी जो हैं वो भारत से ये क्या होंगे इंडियन फॉरेन ऑफिसर होंगे अब ये जाएंगे कहाँ बांग्लादेश ठीक हंग, हंगेरियन हंगड़ी में ग्रैंड प्रिक्स अवार्ड ग्रैंड प्रिक्स बोले तो ग्रैंड प्रिक्स बोले तो एफ वन रेसिंग है ना तो ये जो है वो किसने जीता है ये आपको बताना है कमेंट सेक्शन में फटाक से बता दीजिए और एक चीज़ मैं नोटिस कर रही हूँ कि गाइज यू आर नॉट लाइक द सेशन वाई इज दैट सो एक बार सेशन को आप लाइक कर सकते हैं कोई इश्यू नहीं होगा ठीक है तो ये जीतने वाले हैं मैक्स वाइ स्टेपिन और सेबेस्टियन वेटल ने अब रिटायरमेंट अनाउंस कर दिया इसको याद रखेंगे नेक्स्ट है कि पॉइंट फाइव वन फोर जीरो कल हमने आपको बताया था कि 0.5140 कैप्टन विक्रम बत्रा 0.4875 तो ये द्रास में है द्रास जो है कारगिल सेक्टर में तो कारगिल बेसिकली क्या करता है इसको भी ध्यान रखेंगे एक छोटा सा प्यारा सा शहर है जिसका नाम है श्रीनगर और एक शहर है जिसका नाम है लेह तो इन दोनों को कनेक्ट करता है उसके बीच में है कारगिल ठीक है तो इसको ध्यान रखेंगे ये कारगिल हो गया आपका और कारगिल हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है वरना क्या होगा ले पूरी तरह से अलग हो जाएगा और सियाचिन जो है वो पूरी तरह से अलग हो जाएगा देश से तो इसीलिए इसको बचाने के लिए ये सब कुछ हुआ था कारगिल वो और आप जानते ही हैं 26 जुलाई कारगिल दिवस मनाते हैं हम उन्नीस की कहानी है तो उसको गन हिल इसका नाम दिया गया है ओके okay. नेक्स्ट है रेस गोल रेस गोल ये एक बैंक ने लॉन्च किया है नहीं पता है कोई बात नहीं यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ने रेस गोल को लॉन्च किया है ओके स्टीट्यूशन हैज लॉन्च किस किस मतलब इंस्टीट्यूशन का क्या होगा हाँ संस्थान ने लॉन्च किया है गुड फॉर यू गुड फॉर प्लानट कैंपेन कोई ऐसा चीज जो आपके लिए भी इंपॉर्टेंट है और जो प्लानट के लिए भी इंपॉर्टेंट है तो ये है डब्लू डब्ल्यू एफ वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड ये कैंपेन इसने स्टार्ट किया है फर्स्ट ऑल इंडिया डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी मीट तो डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी की मीटिंग हुई है और ये मीटिंग कहां पे हुई है ये न्यू दिल्ली में ये मीटिंग हुई है ओके नेक्स्ट ए आई फॉर भारत इनिशिएटिव तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में काम कर रहे हैं हम लोग और बहुत सारे कॉरपोरेट सेक्टर्स हैं जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए काम कर रहे हैं और ये शुरू कहां से हुआ है तो ये मद्रास से शुरू हुआ है पंजाब खेड़ मेला तो खेड़ मेला लगा है पंजाब में पंजाब स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट इसको होस्ट कर रहा है और ये लगा है आपका उनतीस ट्वेंटी नाइन्थ ऑफ ऑगस्ट को पंजाब खेल मेला ठीक नोबेल प्राइज विनर डेविड ट्रिम्बल जी का निधन हो गया है ये सतहत्तर साल के थे ये किस कंट्री के थे तो क्वेश्चन आंसर के फॉर्म में डाला है अगर आपको नहीं पता है कोई बात नहीं नॉर्थ आयरलैंड के थे मुझे लगता है दो दिन पहले मैंने ये बताया था कि डेविड ट्रिम्बल जी नॉर्थ आयरलैंड के हैं इनको नोबेल पीस पुरस्कार मिला था इनका निधन हुआ है ओके okay. कौन से कंट्री में अभी गुस्ताव मेक्योन ये फर्स्ट बैट्समैन बन गए हैं इन टी हिस्ट्री टू स्कोर कंजीक्यूटिव हंड्रेड तो लगातार हंड्रेड रन मारने वाले सबसे ज्यादा किस कंट्री के ये हैं गुस्ताव तो ये है फ्रांस के फ्रांस में भी क्रिकेट शुरू हो हो गया हो गया ठीक है ओके नेक्स्ट मुख्यमंत्री महात नए नए रथ ठीक है तो ये है न्याय न्याय का मतलब होता है कि जहां पे भी ये स्टेट में हर जगह जाके देखेंगे कि हर किसी को न्याय मिलना चाहिए तो ये जो न्याय रथ है ये आपका छत्तीसगढ़ में शुरू हुआ है मुख्यमंत्री मुख्यमंत्री महतारी, महतारी, न्याय ओके ओके okay. okay. तो नेक्स्ट है कि एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड अवार्ड ये हम आपको कल बताए थे हाँ एग्रीकल्चर देखिए नहीं पता है कोई बात नहीं जब मेरे बताने के बाद एक बार कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा ना तो हमेशा के लिए याद हो जाएगा ठीक है तो ये है नरेंद्र सिंह तोमर जी एग्रीकल्चर मंत्री यही है तो यही करेंगे एज पर एज पर कंतार रिपोर्ट के अनुसार विच इज द मोस्ट चूज एंड फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड तो किस सामान को आप सबसे ज्यादा इस्तेमाल करते हैं क्या आप पार्ले जी के सामान को ज्यादा इस्तेमाल करते हैं कि अमूल की डाबर कि ब्रिटानिया फास्ट मूविंग यानी कि तुरंत ले और लेके और भागो घर तो किस सामान को आप सबसे ज्यादा इस्तेमाल करते हैं यह सामान कौन सा है पार्ले ठीक है पार्ले को हमारे देश में सबसे ज्यादा ये एफ एम सी जी गुड्स है एफ एम सी जी का मतलब होता है फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड ओके कौन से कंपनी ने अभी अभी स्टेब्लिश किया है पहला फर्स्ट एवर इंडिया हाउस एट पेरिस ओलंपिक 2024 तो क्योंकि आप जानते हैं कि ओलंपिक्स जो है वो 2024 में पेरिस में होने वाला है 2028 में कहा होने वाला है ये बताइए हम बहुत बार बता चुके हैं ठीक है हाँ तो ये इस कंपनी ने क्या किया है कि अपना इंडिया हाउस स्टैब्लिश किया है और ये कंपनी है रिलायंस तो रिलायंस वहां पे इंडिया हाउस का माने की वहां पे एथलीट जाके वहां के क्लाइमेट के अकॉर्डिंग प्रैक्टिस कर सकते हैं अब देखो जैसे मान लो कि हम बहुत अच्छा भाला फेंकते हैं

तो वर्ल्ड वाइड वेब बचपन से आप लोग भी सुने होंगे नाइन्टीज़ का दिन याद आ गया www डब्ल्यू डब्ल्यू डॉट ठीक है तो ये फर्स्ट अगस्त को मनाया जाता है ये दिवस एक ऐसा कंट्री स्टेट है जिसका नाम है वेस्ट बंगाल यहाँ पे सात नए और डिस्ट्रिक्ट्स बनने वाले हैं क्या आप मुझे बता सकते हैं कि सात और नए डिस्ट्रिक्ट्स बनने के बाद इस स्टेट में टोटल टोटल कितने डिस्ट्रिक्ट्स हो जाएंगे बिल्कुल एक्सेलेंट तो सात और नए डिस्ट्रिक्ट बनने के बाद यहां पर टोटल तीस नए डिस्ट्रिक्ट्स हो जाएंगे तीस ठीक है टोटल तीस डिस्ट्रिक्ट्स हो जाएंगे हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू कमिश्नर ऑफ दिल्ली पुलिस तो दिल्ली पुलिस दिल्ली पुलिस ठीक है संजय अरोड़ा जी जो है कमिश्नर बन गए ओके इंडियाज स्टेट्स इन दस इंटरनेशनल स्कूल हैज इंट्रोड्यूसड द फर्स्ट टीचिंग रोबोट इन इंडिया सोचो मेरी जगह कोई रोबोट पढ़ा रहा हूँ फिर पढ़ा पटापट बता देगा कि कौन कौन आंसर दे रहा है कौन कौन आंसर नहीं दे रहा है ठीक तो यह है तेलंगाना सोचो तो इन दस इंटरनेशनल स्कूल में हम भी अपने बच्चा लोगों को यहीं डाल देंगे सोच रहे। तो यहाँ पे रोबोट पढ़ाएगा वाह सही टीचर का नौकरी गया When did Earth break its shortest day record? तो Earth break its shortest day record जो है सबसे छोटा ये किस दिन है तो यह ट्वेंटी नाइन्थ ऑफ जुलाई को है ठीक नेक्स्ट छाबाहार डे कॉन्फ्रेंस छाबाहार डे कॉन्फ्रेंस ये आप बताइए छाबाहार आपको पता है कि ये पोर्ट हम लोग बनाए थे कहां पे ईरान में पाकिस्तान के पोर्ट का नाम है ग्वादर यह सब आपको पता होगा तो यह है मुंबई में मुंबई में बनाया गया है छाबाहार डे कॉन्फ्रेंस नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इंडियन काउंसिल फॉर कल्चरल रिलेशन तो यहां पर डिस्टिंग इंडियोलॉजिस्ट है इनको अवॉर्ड मिला है 2021 में क्या आप इनका नाम बता सकते हैं कि भारत इंडियन काउंसिल कल्चरल रिलेशन के लिए किस इंडियोलॉजिस्ट को अभी अभी अवॉर्ड मिला है अभी अभी तो आपके लिए तो अभी पांच मिनट पहले मिला है क्योंकि अभी हम तुरंत बताएं ठीक है ओके एक्सेप्टेड जेफरी आर्मस्ट्रॉन्ग अभी बताया गया आपको जेफरी आर्मस्ट्रॉन्ग वेरी गुड नेक्स्ट है कि यूनियन कैबिनेट ने अप्रूव कर दिया है द साइनिंग गारंटी फॉर होस्टिंग फीफा वर्ल्ड कप तो 2022 में हम लोग भारत में फीफा वर्ल्ड कप होस्ट कर रहे हैं इट इज एक्चुअली बड़ा बात ठीक है तो आप जानते हैं 2022 में जो आपका मेन का हुआ वो फीफा कतर में हुआ हो रहा है, है ना कतर में है और हम अब 2022 में फीफा वर्ल्ड कप करने वाले हैं है ना तो ये कौन सा वाला है ये अंडर 17 है अंडर 20 वेमेन कौन सा है तो ये अंडर 17 वेमेन है फीफा वर्ल्ड कप अंडर 17 वेमेन भारत में होने वाला है ठीक नेक्स्ट एक नया स्पीशीज है ये नया स्पीशीज ये डैम से फ्लाई है इसका नाम दिया गया है अन्ना मलाई रेड टेल अब अन्ना मलाई से हम आपको एक कहानी तो जरूर बताएंगे आपको भी पता है कि आपके देश में कुछ पर्वत श्रृंखला है जैसे कि वेस्टर्न घाट्स तो वेस्टर्न घाट्स का जो सबसे टॉप का पीक है उसका नाम है अनाई मुड़ी और अनई मुड़ी जो है वो अन्ना मलाई पहाड़ी पहाड़ी पे है ये आप जानते हैं और फिर ईस्टर्न घाट्स है जो टूटा 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 एक परिंदा टूटा तो ये महेंद्रगढ़ है महेंद्र बाहुबली नहीं महेंद्रगढ़ है ठीक है और इन बीच में भी एक पहाड़ है जिसका नाम क्या है नीलगिरी तो नीलगिरी का जो सबसे हाईएस्ट पीक है उसका नाम है डोडा डोडा बेटा ये सब हम बहुत बार बता चुके हैं आपको पता होगा तो डोडा बेटा इसका हाईएस्ट पीक है अगर पूछेगा कि भारत में सबसे नीचे कौन सी पर्वत है एकदम लास्ट में तो ये जो लास्ट में जो पर्वत है इसका नाम है इलायची इलायची अब बोलोगे इलायची कार्डमम हिल्स इसका नाम है ठीक है ये भारत में सबसे साउथ में जो पर्वत है उसका नाम है कार्डमम हिल्स इलायची की पर्वत है ठीक ये सब बातें हो गई तो आप समझ गए होंगे कि अन्ना मलाई जो है वो कहाँ हो सकता है अन्ना मलाई जो है वो केरला में है मलाई का मतलब ही केरला में जो है वो ये होता है और कोंडा जैसे कि पाल कोंडा ठीक है ये आंध्रा में कोंडा मतलब पर्वत होता है ठीक है फाइन ओके एक और चीज बताइएगा कि वेस्टर्न घाट्स वेस्टर्न घाट्स कितने स्टेट से शुरू होकर खत्म होती है केरला तमिलनाडु है दोनों में कंफ्यूज मत करिएगा दोनों में होती है और गुजरात से शुरू होती है तो आप बताइए कमेंट सेक्शन में कि वेस्टर्न घाट्स कितने स्टेट्स में टच होती है ये पूछा गया है दूसरा क्या पूछा गया है कि हिमालयाज हिमालय भारत में कितने देशों में हिमालय कितने प्रदेश में हिमालय है हम बार बार प्रदेश को देश बोलते देते हैं राज्य को देश बोल देते हैं स्टेट को ठीक है तो कितने स्टेट में हिमालयाज है कितने स्टेट में वेस्टर्न घाट्स है बता चुके हैं आप लोग बताइएगा मुझे कमेंट सेक्शन में और इसको पता है एक्चुअली एक ही क्वेश्चन में स्टेटमेंट वाइज यूपीएससी आई में पूछा गया है तो जब यूपीएससी आई में पूछा जाता है तो उसके बाद वो क्वेश्चन को तोड़ तोड़ के अलग अलग एग्जाम में पूछा जाता है इसलिए हम बार बार उसको डिस्कस करते रहते हैं ठीक आंसर आ रहा है गुजरात महाराष्ट्र बेटा गोवा छोड़ दिए तुम कर्नाटका केरला तमिलनाडु ओके ठीक है अभी सोचो और सोचो और बताओ ठीक तो ये केरला है नेक्स्ट आरबीआई ने डेड अभी डेडलाइन बता दिया है कि देखिए कार्ड्स का टोकनाइजेशन होने वाला है आप लोग जानते हैं अभी अभी हम लोग पढ़े हैं इसको कि कार्ड्स का टोकनाइजेशन जो है टोकनाइजेशन आप समझिए नाम आ, कार्ड नंबर एक्सपायरी डेट और सी वी वी, ये सबको मिला जुला के एक खिचड़ी बना दिया जाएगा और उसका टोकनाइजेशन हो जाएगा तो ये टोकनाइजेशन जो है वो फर्स्ट ऑफ अक्टूबर से होगा ओके okay. नेक्स्ट निर्मला निर्मला मिश्रा जी का निधन हो गया ये क्या थी वेटरन बंगाली थी बिल्कुल सही बात है और ये क्या थी सिंगर थी राइटर थी पॉलिटिशियन थी जर्नलिस्ट थी तो अभी अभी हम लोग पढ़े हैं कि ये जो है ये सिंगर थी है ना सिंगर थी निर्मला मिश्रा जी अभी पढ़े वेरी गुड नेक्स्ट सॉरी तो अभी एक और निधन हुआ है जिनका नाम है फिडेल रामोस रामोस सिगार वाला फोटो याद है ना तो ये फिलिपींस के फिलिपींस के प्रेसिडेंट रह चुके हैं है ना फिलिपींस के प्रेसिडेंट रह चुके हैं देखिए शुरू से अगर क्लास को ज्वाइन कीजिएगा ना आठ बजे से तो गलती नहीं कीजिएगा क्योंकि क्या हो रहा है कि हमने ऑलरेडी आपको बातें बता दी हैं अब क्या मतलब ऑलरेडी जो आठ बजे से लेकर आठ बीस तक हम लोग पढ़ चुके हैं अब क्वेश्चन कर रहे हैं तो इसीलिए जो पहले से जो बच्चे हैं उनका गलती नहीं होगा ठीक मंकी पॉक्स पे एक पूरा टास्क फोर्स बना है और इसको कौन हेड कर रहे हैं इसको अभी हम लोग पढ़े हैं है ना तो वीके वीके पॉल जी इसको हेड कर रहे हैं पढ़े थे हम लोग ठीक है नेक्स्ट पैसिफिक ड्रैगन ब्लास्टिक मिसाइल देखिए ब्लास्टिक मिसाइल और क्रूज मिसाइल में अंतर समझ जाइए ये ना बहुत बार आता है ये जो प्रोजेक्टाइल मोशन है ये ब्लास्टिक मिसाइल है ये बहुत दूर तक जाता है ठीक है लेकिन क्रूज मिसाइल जो है वो ऊपर जाता है और फिर ऐसे गिरता है तो ये क्रूज मिसाइल है तो ब्लास्टिक मिसाइल ज़्यादा दूरी के लिए होता है क्रूज मिसाइल कम दूरी के लिए होता है इसको थोड़ा सा समझ जाइएगा ठीक है तो यह अब स्पेसिफिक ओशन वाला स्पेसिफिक ड्रैगन ड्रैगन मतलब आपको पता है बेलास्टिक मिसाइल डिफेंस एक्सरसाइज ये हवाई में शुरू हुआ है कहाँ पे हवाई हनु का आइलैंड है यूएसए का वहां पे ठीक अब कल हमने आपको बताया था कि इंग्लैंड ने एक टीम को हरा दिया है लंडन में ही और यूईएफए जीत लिया है विमेन यूरो चैंपियनशिप 2022 क्या बता सकते हैं कि कौन सा ऐसा टीम है जिसको इंग्लैंड ने हरा कर ये मैच जीत लिया है तो क्या ये नीदरलैंड्स है जर्मनी है पोर्तुगल है फिनलैंड है तो ये टीम कौन सी है ये है जर्मनी जर्मनी को हरा कर यहां पर इंग्लैंड ने इसको जीत लिया है ठीक प्रेसिडेंट कलर अवार्ड प्रेसिडेंट कलर अवार्ड तो किस स्टेट को मिला है प्रेसिडेंट कलर अवार्ड मेरे शो करने के पहले ही किसी ने बता दिया वेरी गुड तो ये तमिलनाडु के पुलिस को प्रेसिडेंट कलर अवार्ड एम वेंकैया नायडू दे दे दिए हैं ठीक अब कुछ बात सुनिए मेरा देखिए जापान अमेरिका और साउथ कोरिया ये पार्टिसिपेट कर रहा है डिफेंस मिसाइल डिफेंस ड्रिल में तो ये जॉइंट ब्लास्टिक मिसाइल डिफेंस एक्सरसाइज हो रहा है और ये एक्सरसाइज कौन कौन कर रहा है साउथ कोरिया है अमेरिका है जापान है और ये कहाँ हो रहा है जो अभी आप पढ़े हवाई में हो रहा है ठीक है तो इसको याद रखिएगा इसका नाम क्या है फिर से हम बता रहे हैं देखिए इसमें भारत नहीं है इसलिए उतना इंपॉर्टेंट नहीं है इसमें अमेरिका है जापान है और साउथ कोरिया है और ये हो कहाँ रहा है ये हवाई में हो रहा है ठीक है इसका नाम क्या है पैसिफिक ड्रैगन ड्रिल पैसिफिक ड्रैगन ड्रिल ठीक है और अब से इस एक्सरसाइज में ऑस्ट्रेलिया और कनाडा भी पार्टिसिपेट करेंगे भारत नहीं है इसमें फाइन ठीक है ओके नेक्स्ट नेक्स्ट तो आपको पता ही है कि ये जो हम लोग ओमान के साथ कर रहे हैं ये फोर्थ एडिशन है भारत और ओमान मिलिट्री एक्सरसाइज अल नाजा का ठीक तो अल नाजा ठीक है तो यहां पे आप देख सकते हैं कि अल नाजा और विनबैक्स दो एक्सरसाइज अभी हम लोग चला रहे हैं तो वियतनाम के साथ है और अल नाजा नाजा से बारे में को वो गाना था। नाजा नाजा से वो ठीक तो ये अल नाजा जो है ये ओमान से हम लोग कर रहे हैं बायोलिट्रल एक्सरसाइज है इसको आप याद रखेंगे ठीक है फाइन नेक्स्ट नेक्स्ट देखिए ये क्या है मैप इसके बारे में लगता है कुछ आज हम लोग पढ़ने वाले हैं है ना इसमें आपको क्या क्या दिख रहा है हाँ बिल्कुल बहुत सही बात है राकेश सिंह जी बहुत सही दिमाग लगाए कि मैम ड्रैगन माने कि चाइना और ये सब कंट्री जो है वो चाइना को टैकल करने के लिए एक्सरसाइज कर रहा है एक्सेलेंट ठीक है तो अब देखिए ये जो है ये क्या है इसको समझते हैं यहाँ पे आप बस इतना ध्यान दीजिएगा कि ये मुंबई है और ये साउथ में है और ये ऊपर जा रहा है मॉस्को तक नॉर्थ में यानी कि जो पीला लाइन दिख रहा है आपको वो नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर है क्यों क्यों ये बनाने का क्या जरूरत पड़ गया देखिए हम लोग जो है ना पाकिस्तान से अब ज्यादा लोड नहीं उठाना चाहते हैं हम लोगों ने अपना मस्त बना लिया है पोर्ट जिसका नाम है छाबहार पोर्ट तो इससे हम कनेक्ट कर लिया अपने ईरान को और बंदर आवास पोर्ट तो है ही ईरान में यहां से हम चले जाएंगे तेहरान तेहरान से हम चले जाएंगे बाकू जो कि अजरबैजान का कैपिटल है हमारा अच्छा दोस्त है ठीक है बाकू के बगल में अजरबैजान के बगल में कौन सा देश है अर्मेनिया है अजरबैजान और आर्मेनिया में थोड़ा बहुत लड़ाई झगड़ा चलते रहता है पड़ोसी में चलता ही है नहीं तुम मेरे जगह में घर बना लिया ऐसा करके ठीक है तो मॉस्को तक हम लोग जाएंगे ये नॉर्थ साउथ कॉरिडोर हो गया ठीक है ओके यहाँ तक समझ में आ गया फिर रेल कॉरिडोर भी आपको दिख रहा है लेकिन रेल कॉरिडोर में फिर हम लोग यहाँ तक उतना कनेक्टेड है नहीं भारत नहीं कनेक्टेड है रेल कॉरिडोर में ओके जो ऑरेंज कलर का आपको दिख रहा है और एक एग्रीमेंट भी है आश आशगाबाद एग्रीमेंट ठीक है तो ये सब क्या है अभी हम लोग समझ जाएंगे देखें सो so बेसिकली बात क्या है कि गूगल है ना तो वो आप वो फोटो देख लिए अब आप रिलैक्स कीजिए उसको हम लोग धीरे धीरे अभी समझेंगे अब आप दूसरे बात पे आइए गूगल मैप गूगल मैप जो है स्ट्रीट व्यू सर्विस शुरू कर रहा है तो गूगल जो है वो दो लोकल कंपनी के एसोसिएशन में आके कौन से कंपनी टेक महिंद्रा और गिनीस गिनेस ठीक है स इंटरनेशनल के संदर्भ में आके पहला लॉन्च कर रहा है स्ट्रीट व्यू सर्विस भारत में पहली बार ठीक है अब ये गूगल स्ट्रीट व्यू सर्विस जो है वो 360 डिग्री का सर्विस देगा देगा व्यूज फ्रॉम डेजिग्नेटेड रोड थ्रू कवरेज एरिया ठीक तो अब ये 10 ऐसे शहर है बेंगलुरु दिल्ली मुंबई चेन्नई पुणे नासिक हैदराबाद वडोदरा अमृतसर और अहमदनगर यहां पर स्ट्रीट व्यू सर्विस तक गूगल देने वाला है ठीक है तो ये गूगल जो है ये इसको धीरे धीरे 10 सिटी से 50 सिटी में एक्सपैंड कर रहा है ओके okay. 10 सिटी से 50 सिटी में एक्सपैंड कर रहा है एज पर द पार्ट ऑफ गूगल सर्विस गूगल मैप विल शो स्पीड लिमिट डेटा तो अगर आप इस दस शहर में रह रहे हैं तो यहाँ पे आपको स्ट्रीट व्यू सर्विस मिलेगी ये दस शहर ये हैं और बाद में जाकर आपको बाकी पचास शहर में भी स्ट्रीट व्यू सर्विस मिलेगी ठीक है नेक्स्ट गुजरात सेमीकंडक्टर पॉलिसी तो सेमीकंडक्टर पॉलिसी के बारे में आपको पता ही है सेमी यानी कि सिलेकन हो गया आर्सेनिक हो गया एंटीमनी हो गया वो मेटल भी नहीं वो नॉन मेटल भी नहीं है दोनों के बीच में आते हैं वो होते हैं सेमी और ये इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम्स बनाने में आपका हेल्प करते हैं तो इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स का मतलब हो गया कि जैसे आपका मोबाइल हो गया लैपटॉप हो गया तो ये सारे इलेक्ट्रॉनिक आइटम बनाने में आपका हेल्प करते हैं गुजरात सेमीकंडक्टर पॉलिसी ये कहता है फाइन क्लियर है यहाँ तक आपको ओके okay. तो बस आपको इतना पता होना चाहिए कि वॉट इज अ सेमी कंडक्टर सेमी कंडक्टर आप देख लें तो अगर जब आप कंडक्टर्स मेटल्स और सेमी कंडक्टर्स के बारे में बात करते हैं तो वॉट आर मेटल्स मेटल्स क्या होते हैं मेटल्स जिसमें लास्ट में इलेक्ट्रॉन होता है एक दो या तीन जब लास्ट में आउटर मोस्ट शेल में इतना इलेक्ट्रॉन होगा तो मेटल क्या करेंगे इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेंगे और पॉजिटिवली चार्ज बन जाएंगे राइट तो ये आपका हो गया मेटल्स की कहानी जैसे फॉर एग्जाम्पल आप एलुमिनियम को ले लीजिए थर्टीन उसका एटॉमिक नंबर है टू एट थ्री तो तीन इलेक्ट्रॉन को ये डोनेट करके थ्री प्लस बन जाता है ओके नॉन मेटल्स में क्या होता है नॉन मेटल्स में लास्ट में आउटर मोस्ट शेल में नॉन मेटल्स में इलेक्ट्रॉन्स हमेशा कैसे होते हैं पांच छे या सात तो पांच में इनको चाहिए तीन इलेक्ट्रॉन तभी ये आठ बन पाएंगे आप जानते हैं ना कि हर एक एलिमेंट का मेन जो विशेषता है वो ये है स्टेबल हो जाना स्टेबल कब होगा जब लास्ट में उसके आउटर मोस्ट शेल में आठ इलेक्ट्रॉन होंगे फिर छह यानी कि दो इलेक्ट्रॉन तो ये टू नेगेटिव हो जाएंगे इनको दो इलेक्ट्रॉन चाहिए आठ बनने के लिए सात यानी कि इनको बस एक इलेक्ट्रॉन चाहिए तो वन नेगेटिव हो जाएंगे यानी कि ये क्या करते हैं ये इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर लेते हैं एक्सेप्ट करके नेगेटिवली चार्ज होना ये किसकी विशेषता है ये नॉन मेटल्स की विशेषता है फाइन नाउ वॉट वी आर गोइंग टू स्टडी वी आर गोइंग टू स्टडी वॉट विल हैपन इफ अगर लास्ट में आउटर मोस्ट शेल में चार इलेक्ट्रॉन है जैसे कि सिलेकन फोर्टीन टू एट फोर तो ये क्या करेंगे ये अपना अब इसमें कार्बन मत ले आइएगा कार्बन इज अ नॉन मेटल और कार्बन के एलोट्रोप से क्वेश्चन आता है जैसे कि डायमंड है ग्रेफाइट है डायमंड जो कि इलेक्ट्रिसिटी uh, को कंडक्ट नहीं करता है ग्रेफाइट जो कि इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है ठीक है तो सिलिकन क्या करेगा सिलिकन बहुत सारा कोवेलेंट बॉन्ड बना लेगा बहुत सारा कोवेलेंट बॉन्ड बना लेगा और इसकी जो कैरेक्टरिस्टिक होगी वो ना मेटल की होगी ना नॉन मेटल की होगी अब हम इसमें डोपिंग करवाएंगे डोपिंग यानी कि हम इसमें इम्प्योरिटी ऐड करेंगे फॉर एग्जाम्पल एलुमिनियम जिसका थ्री प्लस है तो ये थ्री प्लस है यानी कि इसके पास तीन इलेक्ट्रॉन है तो ये पी टाइप की डोपिंग हो गई और फॉस्फोरस जो है फॉस्फोरस में एक ज्यादा इलेक्ट्रॉन है पांच है सिलेिकन से ज्यादा है तो ये एन टाइप की डोपिंग हो गई और अब हम क्या करेंगे इसका हम सेमी इलेक्ट्रॉनिक्स बनाएंगे और ये सेमी पूरा जो है ये आपके एग्जाम में अभी प्रोबेबिलिटी ज्यादा है आने की क्योंकि गुजरात ने अपना सेमी पॉलिसी लॉन्च किया है फाइन तो अब बात है डीपीएसपी में हा ठीक है ओके तो अब बात है यूनिफॉर्म सिविल कोड अब ये यूनिफॉर्म सिविल कोड क्या है तो जब आप डी पी एस पी पढ़ते हैं आर्टिकल नंबर थर्टी सिक्स से फिफ्टी वन छत्तीस से लेके फिफ्टी वन तक जब आप पढ़ते हैं डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी तो वहाँ पे आपको समझ में आता है कि ये वो नीति निर्देशक हैं जिसको दिया गया है सरकार को ताकि सरकार इसी के अकॉर्डिंग कानून बना सके और कानून बना सके किसके लिए कानून बनाएंगे सिटीजंस के लिए कानून बनाएंगे तो उसमें से आर्टिकल नंबर 44 जब आप पढ़ते हैं तो शादी करना या अडॉप्ट करना बच्चों को या डिवोर्स लेना तो इस तरह के जो सामाजिक कार्य होते हैं हम चाहते हैं कि हर रिलीजन में ये बराबर से बांटे जाएं मतलब हर तरह हर रिलीजन में ये एक ही टाइप के हो तो यूनिफॉर्म सिविल कोड ये गोवा में शुरू हो चुका है उत्तराखंड भी अपना एक कमेटी बना चुका है ताकि वो यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू करे इसके क्लैश में हम लोग फंडामेंटल राइट्स पढ़ते हैं कि जब वी आर हैविंग द राइट टू तो प्रोटेक्ट आर ओन रिलीजन जब हमारे पास ये अधिकार है कि हम अपने रिलीजन को अलग से प्रोटेक्ट करें आर्टिकल नंबर 25 से लेकर 28 तक तो फिर यूनिफॉर्म सिविल कोड का क्या मतलब है पर यूनिफॉर्म सिविल कोड इज जस्ट फॉर द एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पज ताकि एडमिनिस्ट्रेशन को ज्यादा स्मूदन किया जा सके और जो आपका रिलीजन रिलीजियस प्रैक्टिस है चाहे उसको आप प्रोफेस तो ये, ये, तो ये राज्य में आप उसको मिक्स नहीं करेंगे मोर ओवर वी आर वी जब अगर आपको इसमें ऐसे वगैरह कुछ लिखना हो मोर ओवर वी आर वियार अ सेक्यूलर कंट्री तो क्योंकि हम धर्म निरपेक्ष कंट्री है तो इसीलिए हमारे यहां ये होना चाहिए फाइन तो लेकिन ये यूनिफॉर्म सिविल कोड जो है वो बाई या पोली को रिकॉग्नाइज नहीं करता है इंक्लूडिंग फॉर मुस्लिम बट ग्रांट्स एन एक्सेप्शन टू अ हिंदू मैन टू मैरी वंस अगेन इफ हिज वाइफ डज नॉट कंसीव अ चाइल्ड तो इसमें रूल ये है कि ये ये नहीं कहता कि एक से अधिक शादी होनी चाहिए जैसे मुस्लिम करते हैं लेकिन अगर हिंदू में ये एक रूल है कि अगर उस वाइफ को शी इज नॉट एबल टू कंसीव अ चाइल्ड बच्चा नहीं हो रहा है ठीक है तो क्या है कि हिंदू जो है वो दूसरी शादी कर सकते हैं ओके okay. तो ये है यूनिफॉर्म सिविल कोड आर्टिकल नंबर फोर्टी फोर उसको ध्यान रखेंगे आप डीपीएसपी में आता है फाइन सो नाउ वी आर कंक्लूडिंग ओवर हेयर ओनली तो अग्निवीर के बैचेज हैं चाहे आर्मी हो नेवी हो या आपका वायु बैच हो एयरफोर्स तो यहां पे आप कोड यूज कर सकते हैं Y332 आपको ये बैचेस मिल जाएंगे एट हंड्रेड में अगर आप वेबसाइट से करते हैं अगर आप अंडर ट्वेंटी फोर के ऐप से करेंगे तो एक परसेंट और ऑफ मिलेगा ये एक नया बैच हम लेकर आए हैं जो कि 8 तारीख से शुरू होगा अब ये बूस्टर्ड एमसी क्यू बैच है अगर एफ कैट में अभी तक आपने प्रिपरेशन नहीं की है ठीक है अभी तक आपको लग रहा है कि आपका प्रिपरेशन उतना अच्छा नहीं है तो आपको क्या करना होगा आपको है ना वन सेकेंड तो आपको क्या करना होगा कि आपको इस बैच में एनरोल करना होगा कोड आप यूज कर सकते हैं वाई तीन सौ बत्तीस और नौ सौ निन्यानवे नौ सौ उन्नीस रुपए का ये बैच है ठीक है तो ये बूस्टर एमसीक्यू बैच है ये 20 दिन बाकी आपके एग्जाम के लिए तो 8 तारीख से इसको लॉन्च किया गया है ठीक है सीडीएस के लिए आपको पता है कि सीडीएस के लिए ये दो बैचेस हैं जिसमें आप वाई तीन कोड यूज करके इस कॉस्ट पर इस बैच को ले सकते हैं और अगर आप डिफेंस के महापैक को लेते हैं तो आपको एफ कैट सी ए पी एफ सी डी एस अग्निवीर सीआरएसएफ असम राइफल्स आई टीबीपी सब कुछ मिल जाएगा सिमिलरली ये डिफेंस का महापैक है कोड आपको पता है वाई तीन सौ बत्तीस है ठीक है सिमिलरली आपको इंजीनियर्स का बैचेस भी मिल जाएगा जैसे एस एस ये नॉन टेक का बैच है सिविल का नया बैच आ चुका है सिविल का ये पुराना बैच है और मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल का बैच ऑलरेडी चल रहा है में दीडिये और दीडिये और का भी बैच चल रहा है लेकिन अगर आप वहां पैक लेंगे तो आपको सारे बैचेस एक जगह मिल जाएंगे ठीक है इसके लिए अगर कोई नए स्टूडेंट है तो मैं बता दूं कि आपको सीधे यहां पर गूगल में जाना है गूगल में आपने टाइप करना है अड्डा ट्वेंटी फोर सेवन अंडर ट्वेंटी फोर सेवन के वेबसाइट पे जाना है वेबसाइट पे जाते ही आप ऑल कोर्सेज में जाएंगे ऑल कोर्सेज में जाते ही आप यहां पे डिफेंस में जाएंगे डिफेंस में देखिए ये एफ कैट का नया बैच आ चुका है बूस्टर्ड एमसीक्यू काफी ज्यादा फ्रूटफुल बैच है क्योंकि इसमें सिर्फ सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन आंसर के फॉर्म में आपको पूरा प्रैक्टिस करवाया जाएगा कोड आप यूज कर सकते हैं वाई थ्री थ्री टू और अप्लाई कर सकते हैं सो दिस इज नौ सौ उन्नीस रुपए का बैच बूस्टेड एमसीक्यू बैच है ये ठीक है और उसी तरह से आप डिफेंस में अग्निवीर और अग नेवी वगैरह सारे बैंचज को एक्सेस कर सकते हैं इंजीनियरिंग के लिए आपको यहां पे क्लिक करना है ठीक है और ये एस एस जेई में जाना है चाहे आप नॉन टेक ले या टेक ले फॉर एग्जाम्पल ये जो है ये पूरा सिलेक्शन किट है और ये नॉन टेक प्लस टेक का है तो यहां पे आपको कोड यूज करना है वाई थ्री थ्री टू तो ये सिविल का है उसी तरह से आपको मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल का भी एस का बैच और बाकी एग्जाम्स के बैच मिल जाएंगे सो थैंक यू फॉर द सेशन मिलते हैं हम लोग कल सुबह आठ बजे करंट अफेयर्स के लिए और पॉलिटी का जो क्लास चल रहा है इंजीनियर्स पे बारह बजे तो वो होगा फाइन थैंक यू और पेड वाले बच्चे अभी आ जाएंगे नौ बजे